गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड जॉइनिंग दिस सेशन टुडे. थैंक यू सो मच. हाय, आई एम डॉक्टर अर्चना पाटिल एंड आई विल बी शेयरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू. सो प्लीज बी देयर टिल द एंड एंड मेक श्योर टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. एज वी ऑल नो कि डायबिटीज जो है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में. देर आर अराउंड 77 मिलियन डायबिटिक पीपल इन आवर कंट्री एंड द नंबर्स आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अबाउट 50% ऑफ देम, 50% लोगों को पता नहीं होता है कि उनके अंदर डायबिटीज शुरू हो गई है ऑलरेडी. हर दो में से एक इंसान को डायबिटीज है, ये उनको पता नहीं होता है बिकॉज दे डू नॉट टेस्ट फॉर इट. एंड द डायबिटीज विच वी वर सीइंग अर्लियर 40-50 ईयर्स के बाद जो शुरू होती थी वो आज यंगर एज में स्टार्ट हो रही है. यहाँ तक कि 10 से 12 साल के छोटे छोटे बच्चों में भी हम टाइप 2 डायबिटीज देख रहे हैं, विच इज रियली सैड. सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैव स्टार्टेड अ मिशन, स्टॉप डायबिटीज. वॉट इज स्टॉप डायबिटीज? स्टॉप डायबिटीज मतलब के डायबिटीज शुरू होने से पहले उसे रोकना, और जिनमें डायबिटीज शुरू हो चुकी है उनमें डायबिटीज के कारण जो शरीर में समस्याएं होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको स्टार्ट होने से रोकना. सो आई होप दैट यू ऑल आल्सो जॉइन मी इन दिस मिशन सो दैट टुगेदर वी कैन स्टॉप डायबिटीज. सो कमिंग टू द टॉपिक फॉर टुडे विच इज ऑन द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे. 11 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया था, तो आज का जो सेशन है ये स्पेशली किडनीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रखा गया है. आई होप यू कैन ऑल सी द स्क्रीन. आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे, हमारे दो किडनी होती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, जिसे हम गुर्दा कहते हैं. एंड अप्रोक्सीमेटली दे आर 11 सेंटीमीटर्स बाई 5 सेंटीमीटर्स इन साइज एंड एवरी किडनी इज हैविंग अ मिलियन नेफ्रॉन. 1 million, लगभग अराउंड 10 lakhs nephrons are there in our kidney. Nephron is the filtering unit of our kidney, जो हमारे ब्लड को जो किडनी तक पहुंच रहा है उसे फिल्टर करके उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है. सो ऑल दीज nephrons आर वर्किंग इन द किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन विच passes थ्रू द टू ट्यूब्स कॉल्ड ureters, विच गो डाउन एंड join इन द यूरिनरी bladder. ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसे हम पेशाब की थैली कहते हैं. इसका कैपेसिटी लगभग 300 से 400 ml होता है. सो वंस दिस ब्लैडर इज फुल, आपको सेंसेशन होता है यूरिन पास करने का एंड यू गो टू पास द यूरिन. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज, हमारी बॉडी से सारा टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल निकालना. इसके अलावा किडनी के और भी फंक्शंस होते हैं जो हमको पता नहीं है. द सेकंड फंक्शन इज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर. किडनीज में से रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपके ब्लड के प्रेशर, जो आपके बॉडी का नॉर्मल रेंज है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द किडनी इज प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स. हमारा ब्लड भी किडनी में बनता है एरिथ्रोपोएटिन नाम के एक हार्मोन के द्वारा. ऑल्सो किडनीज आर हेल्पफुल इन कीपिंग योर बोन्स हेल्दी. जो विटामिन डी हमारे बॉडी में है वो एक्टिवेट होता है किडनी में, और विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन योर बोन्स. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू कीप द ब्लड पीएच इन द न्यूट्रल रेंज, दैट इज फ्रॉम 7.35 to 7.45. ये जो हमारा ब्लड का पीएच है ये किडनीज हेल्प करती है इसे मेंटेन करने का. सो इन डायबिटीज व्हाट हैपेंस, हाउ डज आवर किडनी गेट डैमेज्ड इन डायबिटीज? डायबिटीज में जो खून होता है, हमारा ब्लड होता है, इट बिकम्स थिक एंड इट बिकम्स स्टिकी. नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में जो डायबिटीज लोगों का ब्लड होता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपके ब्लड वेसल्स में से जब पास होता है ये जगह जगह पे स्टिक करता है और ब्लॉक क्रिएट करता है. और किडनीज में जो होती है नसें वो बहुत ही पतली और बारीक होती है, तो ये जो बारीक बारीक नसों में से ये गाढ़ा खून जब जाता है तो ये उन जगहों पे जाके जमने लगता है और ब्लॉक करता है. बिकॉज ऑफ दिस हमारी किडनीज की जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड फाइनली किडनी एंड्स अप इन डैमेज. सो देयर आर द स्टेजेस ऑफ किडनी डैमेज. स्टेज वन में हमारी किडनी का फंक्शन 90% के ऊपर रहता है. दिस इज द वेरी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज.
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जब किडनी फंक्शन कम होके 60-90% के बीच में आता है। इसका नेक्स्ट स्टेज है जब आपका किडनी का फंक्शन और भी ड्रॉप होके 30-60% के बीच में रहता है। इन तीनों स्टेजेस में आपको किडनी का फंक्शन कम रहने के बावजूद कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आपका क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल रहता है। सो बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि माय क्रिएटिनिन इज नॉर्मल, दैट मींस माय किडनी इज फाइन। इसका ये मतलब नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किडनी का फंक्शन कम हो सकता है क्रिएटिनिन नॉर्मल रहने के बावजूद, और ये स्टेज में नॉर्मली हम इसे पिकअप नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेशेंट कंप्लेन नहीं करता है, पेशेंट डॉक्टर के पास आता नहीं है। पेशेंट डॉक्टर के पास स्टेज 4 और स्टेज 5 में आता है जबकि किडनी फंक्शन बहुत कम हो चुका होता है। स्टेज 4 में किडनी का फंक्शन 15-30 के बीच में रहता है, और जो एंड स्टेज है स्टेज 5, इसमें किडनी का फंक्शन ड्रॉप होके 15% से भी कम हो जाता है। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसे हम कहते हैं CKD, हर 6 में से 1 डायबिटिक इंसान को होती है। एंड इसका जो एंड स्टेज में जब पहुंचने के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, आइदर पीपल गो फॉर डायलिसिस और फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। इसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है। अप्रोक्सिमेटली एवरी डायलिसिस कॉस्ट इन इंडिया इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज समवेयर अराउंड 2,000-5,000 पर सेशन। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट, और पेशेंट का प्रोग्नोसिस भी बुरा होता है। जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ द पीपल आर नॉट पिक्ड अप इन द इनिशियल स्टेजेस, इनिशियली डायग्नोस नहीं होता है क्योंकि दे डोंट कंप्लेन ऑफ एनी सिम्टम्स, ओनली इन द एंड पार्ट व्हेन दे आर हैविंग दीज सिम्टम्स दे कंप्लेन। सिम्टम्स में आपको पाँव में सूजन आना शुरू होगी, आपका किडनी का जो यूरिन आउटपुट है वो कम होगा, ऑन द स्किन यू विल हैव इचिंग, स्किन में चेंजेस आएंगे, कलर चेंजेस आएंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी विच इज बिल्डिंग अप इन योर ब्लड। आपकी ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ब्लड में बिल्डअप हो रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी तकलीफ होती है। यू कैन हैव नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, और साथ ही में वीकनेस, फटीक, थकान, ये सब आपको महसूस होगी। सो इसीलिए इसको हमें जल्दी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डिटेक्टेड विद अ वेरी सिंपल टेस्ट, इट्स अ यूरिन टेस्ट कॉल्ड यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। मीन्स आपके यूरिन में नॉर्मल स्टेट में जब आपकी किडनीज अच्छी फंक्शन कर रही है तब प्रोटीन या एल्ब्यूमिन नहीं लीक आउट होता है, बट व्हेन द किडनी इज स्टार्टिंग टू गेट डैमेज इनिशियल स्टेजेस में योर किडनी विल लीक आउट स्मॉल साइज प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड माइक्रो एल्ब्यूमिन। एंड लेटर ऑन एज द डैमेज इंक्रीजेस, जैसे किडनी डैमेज बढ़ता है तो लार्ज साइज प्रोटीन्स भी किडनी से यूरिन में पास आउट होती है। सो व्हेन वी पिक इट अप इन द इनिशियल स्टेजेस we can take immediate action, and there are a lot of treatment options, there are certain medicines which can halt the process, aage kidney damage ko badhne se hum rok sakte hain agar humne ise jaldi pick up kiya to. To aapko kya karna hai, you must remember these 8 golden rules to prevent and protect and save your kidneys from damage. The very first rule is to keep active and be fit, koi na koi exercise, regular walking, jogging, और इवन यू कैन गो फॉर योगा, इफ यू कांट गो आउटसाइड देन घर पे बैठे बैठे योगा करें, बट कीप अ रूटीन टू बी एक्टिव। देन यू कैन हैव यू कैन चेक योर ब्लड शुगर्स रेगुलरली विद योर डॉक्टर्स एंड ट्राई टू मेंटेन इट इन अ गुड लेवल सो दैट योर ब्लड शुगर डजंट राइज और आपको किडनी का प्रॉब्लम ना हो। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, बी वेरी केयरफुल कि आपका प्रेशर रेंज के ऊपर ना जाए क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली किडनीज को हार्म करता है, किडनीज आर वेरी सेंसिटिव फॉर द प्रेशर। सो कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपना वेट को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, एटलीस्ट ट्राई कि आपके बॉडी का जो 5% वेट है वो एटलीस्ट रिड्यूस हो, सो कीप योर वेट इन चेक। मेंटेन अ हेल्दी फ्लूइड इनटेक, ड्रिंक वाटर, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, दिन में एटलीस्ट आपको 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब के अराउंड अप्रोक्सिमेटली 12-14 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। दिस विल हेल्प टू फ्लश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर किडनी, और जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और जो आगे चल के क्रिस्टल्स जम के स्टोन फॉर्मेशन होता है ये भी प्रिवेंट हो सकता है। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। Those who are smoking, do not smoke because smoking maybe it's very injurious or directly injurious to the kidney.
डो नॉट टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो हम नॉर्मली पेन किलर्स वगैरह लेते हैं बहुत कैजुअली. वी जस्ट गो टू द मेडिकल एंड वी टेक अ पेन किलर, वी टेक एंटीबायोटिक फॉर एनी स्मॉल इन्फेक्शन ऑल्सो. तो ये सब आप अवॉइड करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलो अप रखें, टेक देयर एडवाइस वट एवर टेस्ट दे आर प्रिस्क्राइबिंग एंड कीप ऑल योर लेवल्स इन कंट्रोल. आज हमारा दिन है, आज हम बोलेंगे. जस्ट बिकॉज हम पैर में आते हैं, लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सोच के कि एक ने दम तोड़ दिया तो क्या हुआ, दूसरा तो है काम चलाने के लिए. भाई ये भी कोई बात हुई, बताओ. हमें हेल्दी रखने के लिए कितना लीटर पानी पीना चाहिए वो तो पता नहीं जनाब को, बट हर वीकेंड पर आराम से 3 से 4 लीटर बियर जरूर घटकना है इन्हें. कहते हैं सेव वाटर ड्रिंक बियर. यस व्हाई नॉट कीप डूइंग दैट एंड इन द प्रोसेस किल योर किडनीज एज वेल. फ्रूट्स के जगह फास्ट फूड खाएंगे, हर चीज में इन्हें एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड सीजनिंग चाहिए. एंड भाई साहब एक्सरसाइज का तो नाम ही ना लो, सुनते ही जनाब को बुखार आ जाता है. आज के स्पेशल मौके पर वी हैव ओनली वन मैसेज फॉर आवर ह्यूमन, प्लीज टेक केयर ऑफ अस, वी वांट यू टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. मेक द राइट चॉइसेस इन लाइफ, अवॉइड द रॉन्ग वंस टू कीप अस एंड योरसेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी.